नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उस वक्त बॉलीवुड में किस तरह से नेपोटिज्म का मुद्दा गूंजने लग गया था। अब दोस्तों, हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को पता चलने वाला है कि कैसे बॉलीवुड में एक बार फिर से नेपोटिज्म का मुद्दा जो है वो बहुत तेजी से उठ रहा है और लोग नेपोटिज्म के खिलाफ ना सिर्फ आवाजें उठा रहे हैं बल्कि कई तरह की बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड वालों ने सुशांत सिंह राजपूत को खा लिया। इसमें कई सारे बड़े और मशहूर एक्टर्स का नाम भी सामने आ रहा है, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। इसके अलावा और भी कई सेलिब्रिटी हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने यार दोस्त को ही इंडस्ट्री में काम दिलाते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हाँ, आप सभी को पता होगा जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उस वक्त इस तरह की खबरें बहुत तेजी से वायरल हो रही थी कि बॉलीवुड में बहुत तेजी से नेपोटिज्म चलता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं और वो जानबूझ करके नेपोटिज्म को खत्म नहीं करना चाहते हैं। अब हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को पता चलने वाला है कि बॉलीवुड में एक्चुअल में ही नेपोटिज्म होता है। मैं आपको बता दूं, ये किसी और ने नहीं बल्कि कंगना रनावत ने खुद सामने आकर एक बार फिर से बयान दिया है और कंगना रनावत ने सामने आकर बिल्कुल खुल करके बोला है कि बॉलीवुड में रियल में ही नेपोटिज्म चलता है और वो नेपोटिज्म अभी भी चल रहा है। तो क्या कहा है कंगना रनावत ने और कैसे कंगना रनावत ने एक बार फिर से नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाया है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हां, आपको बता दें, कंगना रनावत लगातार नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठा रही हैं और कंगना रनावत कह रही हैं कि जिस तरह से बॉलीवुड वाले एक के बाद एक अपने भाईचारों को ही फिल्मों में काम दिलाते हैं और जब भी कोई बाहर से सेलिब्रिटी आता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है, उसके ऊपर इनकी नजरें गड़ जाती हैं और जानबूझ करके वो लोग इनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की बातें कंगना रनावत ने कही हैं, जिसके बाद अब बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है और मैं आपको बता दूं, कंगना रनावत ने भी मान लिया है कि जानबूझ करके बॉलीवुड वाले बहुत सारे सेलिब्रिटी को आगे नहीं बढ़ने देते और जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और नए एक्टर होते हैं उनके भी करियर को बॉलीवुड वाले खत्म करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कंगना रनावत ने पहली बार नहीं खुलासा किया है बल्कि इससे पहले भी कंगना रनावत कई सारे बड़े खुलासे कर चुके हैं और कंगना रनावत ने दावा किया है कि जिस तरह से बॉलीवुड वाले एक के बाद एक इन घटिया हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, इसके बाद बॉलीवुड में आने पर लोग डरने लग जाएंगे और लोगों को पता ही नहीं होता कि बॉलीवुड की हकीकत क्या है और बॉलीवुड में कितने ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो नए एक्टरों से जलते हैं, उनकी एक्टिंग को देखकर जलते हैं और वो कभी भी नहीं चाहते कि उनके सिवाय कोई और आए और बॉलीवुड इंडस्ट्री में कामयाब हो। तो इस तरह से कंगना रनावत ने एक बार फिर से बॉलीवुड स्टार पर हमला बोला है। हालांकि कंगना रनावत ने किसी का भी खुलकर नाम नहीं लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों से कंगना रनावत की कई बड़े सेलिब्रिटी से लड़ाई चल रही है, उसमें महाराष्ट्र की सरकार तक है और यहां तक कि कंगना रनावत का और करण जौहर का 36 का आंकड़ा है। हमेशा कंगना रनावत और करण जौहर की लड़ाइयां होती रहती हैं। तो इस तरह से कंगना रनावत ने एक बार फिर से बॉलीवुड वालों पर हमला बोला है और कंगना रनावत ने खुलकर बताया कि किस तरह से बॉलीवुड वाले आज के टाइम पर भी नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड में रियल में नेपोटिज्म है और नेपोटिज्म की वजह से ही सुशांत की जान गई थी? कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।